गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, मीन्स गाइनोशियम। जब हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज वन पेस्टल। अगर पेस्टल सिर्फ एक ही है तो उसको बोलेंगे हम मोनो कार्पी लरी। लेकिन अगर पेस्टल मोर देन वन है तो उसको बोलेंगे हम मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी में भी टू कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है इफ मल्टी कार्पलरी इन अ फ्री स्टेट और ना फ्यू स्टेट। अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज एपो कार्पस। और अगर वो फ्यू स्टेट में है तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे यहां पे सिन कार्पस। आई रिपीट इट, गाइनोशियम वन पिस्टल है, अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनो कार्पिलरी, मोर देन वन पिस्टल है तो दैट इज मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी में इफ मल्टी कार्पिलरी फ्री फॉर्म में है, सारे ही पिस्टल जो है फ्री फॉर्म में है दैट इज एपोकार्पस, और सारे ही पिस्टल जो है फ्यूज्ड फॉर्म में है दैट इज सिनकार्पस फॉर्म होगी उसकी। नेक्स्ट इज पिस्टल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। पिस्टल के थ्री पार्ट्स मीन्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज रेसेप्टेकल या थैलेमस और रेसेप्टेकल। दिस वन इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो इसके थ्री पार्ट्स कौन कौन से हो गए? स्टिग्मा। और स्टिग्मा का फंक्शन क्या हो गया? इट वर्क एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स आफ्टर पोलिनेशन या आफ्टरवर्ड, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं, पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन। यह है स्टिग्मा का फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट है स्टाइल। स्टाइल स्टाइल क्या है? ट्यूब लाइक स्टाइल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये करती क्या है? इन विच पोलन ट्यूब रन्स, जिसमें से यहाँ पर जब पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन है
उसमें से हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी पोलन ट्यूब फॉर्म होती है जर्म पोर से, पोलन ट्यूब फॉर्म होगी रन्स। तो स्टाइल क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब है विच कनेक्ट, स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। नेक्स्ट पार्ट है ओवरी, ओवरी ओवरी इज अ बेसल स्वेलन पार्ट। ये एक बेसल पार्ट है, बेसल स्वेलन पार्ट है ओवरी। ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल, ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन होती है ओव्यूल के अंदर, और जो ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम यहां मेंशन कर देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी है वो क्या बनाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रूट को हम बोल सकते हैं फर्टाइल ओवरी। हम यहां पर बात कर रहे थे अभी स्टाइल की, तो मैं यहां पे एक बार मेंशन कर देता हूं दोबारा से स्टाइल। स्टाइल की हमने बात तो कर ली कि स्टाइल भाई लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब है, बट स्टाइल जो होती है इट वर्क एज अ, ये टू टाइप की होती है, एक तो होगी होलो ट्यूब और एक होगी सॉलिड ट्यूब। अगर हम बात करते हैं होलो ट्यूब की, तो यहां पर हमने ये करा, ये एपिडर्मल एपिथेलियल सेल्स होंगी जो इसकी वॉल की फॉर्मेशन करेंगी। तो यहां पर एक कैविटी ल्यूमन, ये एक स्पेस बचेगा यहां पर। लेकिन अगर हम सॉलिड ट्यूब की बात करते हैं, तो यहां पर ये ट्यूब फुल्ली फिल्ड होगी। जो यहां पर ल्यूमन कैविटी होगी, ल्यूमन वो एब्सेंट होगा इसके अंदर। अब ल्यूमन एब्सेंट होने की वजह से जो पोलिनेशन के लिए थोड़ा सा पोलन ट्यूब को अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे इसकी ड्यूरिंग पोलिनेशन। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। तो हम यह कह सकते हैं ओव्यूल इज मेगा स्पोरेंजियम। तो इस वीडियो में हमने बात करी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम अगर वन पिस्टल है मोनो कार्पलरी, अगर मोर देन वन पिस्टल है तो मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में भी अगर हम बात करते हैं तो वो टू स्टेट है इसकी, या तो होगा फ्री एपोकार्पस या होगा वो फ्यूज्ड फॉर्म में विच इज नोन एज सिनकार्पस। अगर हम पिस्टल की बात करते हैं तो पिस्टल कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेट, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा वर्क एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। स्टाइल, स्टाइल इज अ लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब विच कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। और जो पोलन आफ्टर पोलिनेशन जो पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, पोलन ट्यूब रन्स इन स्टाइल पोर्शन, यहां पर डिवाइड होगी। और जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो डिवाइड होकर टू सेल्स में, टू मेल सेल्स गैमेटोफाइटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टाइल पोर्शन में ही डिवाइड होंगे। ये हम पोलिनेशन में स्टडी करेंगे, सॉरी फर्टिलाइजेशन में स्टडी करेंगे डीपली।
ओवरी, ओवरी इज अ बेसल स्वेलन पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम फर्टाइल ओवरी भी बोल सकते हैं फ्रूट को। एक और बात, वैसे हम ये आगे स्टडी करेंगे, फ्रूट अगर वो ओवरी से डेवलप हो रहा है विच इज नोन एज ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर वो अदर देन ओवरी, फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, अदर देन ओवरी हो रहा है, तो उसे हम फॉल्सी फ्रूट बोलेंगे। इसका हम वेल नोन एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉल्सी फ्रूट का, एप्पल। एप्पल जो डेवलप होता है वो थैलेमस से डेवलप होता है, थैलेमस से। इस कंडीशन में क्या हुआ, एप्पल की कंडीशन में जो ओवरी है इट इज प्रोटेक्टेड बाय थैलेमस, जस्ट लाइक टू बी दैट। तो ये थैलेमस हो गया, जो फ्रूट डेवलप हुआ वो थैलेमस से डेवलप हुआ, इसलिए उसको हम फॉल्सी फ्रूट बोलते हैं एप्पल को। लेकिन जो अदर हैं जो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हो रहे हैं उनको हम ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे।